फिस्कल कंसोलिडेशन यानी राजकोषीय समेकन का अगर आसान भाषा में आपको बताऊं तो इसका मतलब होता है वो सभी प्रोग्राम्स और पॉलिसीज जिसको गवर्नमेंट अप्लाई करती है अपने डेफिसिट और अपने डेट्स यानी ऋण को कम करने के लिए। अभी अभी एक रिपोर्ट के अनुसार द टोटल डेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल कंबाइंड इज प्रोजेक्टेड टू बी अबाउट 85% ऑफ द जीडीपी इन 2022-2023। इनफैक्ट 15th फाइनेंस कमीशन एंड इनफैक्ट हर फाइनेंस कमीशन ने बार बार इटरेट किया है कि फिस्कल कंसोलिडेशन की को करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, नहीं तो द इकोनॉमिक डाउनटर्न ऑफ इट कैन नॉट बी इमेजिन्ड। क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये फिस्कल कंसोलिडेशन, क्या है ये फिस्कल कंसोलिडेशन और क्यों स्टेट्स जो हैं एक नेगेटिव कंसोलिडेशन या डेट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, इस सब को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे को फाउंडर, इनफैक्ट हमारे फाउंडर सॉरी माधव पात्रो। हाँ गुड मॉर्निंग माधव, एंड वेरी सॉरी टू टेल यू एज को फाउंडर, माधव इज द फाउंडर ऑफ गुड अल्फा एस। सो माधव मॉर्निंग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। हाँ माधव क्विकली इफ यू कैन टेल अस कि फिस्कल कंसोलिडेशन, मैंने अर्थ समझा दिया है कि डेट को अगर आसान भाषा में समझे तो डेट डेट को कम करना है, हमें जो हमारे ऋण है उसे कम करना है, बट देन क्योंकि हमारे यहाँ फ्रीबीज पॉलिसी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जो है बार बार फ्रीबीज पॉलिसीज को भी डिनाई करता है कि नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से या कैनन्स ऑफ इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, कैनन्स ऑफ इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही अच्छा नहीं है ये फ्रीबीज देना, और वेरियस अदर मेजर्स हैं स्कीम्स हैं। इफ यू कुड टेल अस ब्रीफ अस व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द इंडियन स्टेट्स इन कंटेक्स्ट ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन। देखिए, इंडिया में जो फिजिकल कंसल्टेशन के लिए चैलेंजेस ये है कि जो भी हमारा जो FRBM एक्ट और 15th फाइनेंस कमीशन का जो भी रिकमेंडेशन थे जी वो अभी प्रेजेंट में कोई फॉलो नहीं कर रहा है, जी और उसका जो भी लिमिट्स दिए थे उन्होंने उसको एक्सटेंड हो चुके हैं। मतलब फॉर एग्जांपल देखिए तो अभी रिसेंटली जो PRS का जो रिपोर्ट है उसमें बोला गया कि जो हमारी तीन रीजन्स है, क्यों स्टेट का अभी इंडिया का जो फिस्कल पॉलिसी है स्टेट लेवल पे, मतलब स्टेट ऑफ द स्टेट फाइनेंस इज नॉट इन गुड कंडीशन, ये बोलने के लिए हमारे पास तीन रीजन्स है। एक है कि जो भी डेट लेवल है स्टेट्स का, अब इंडिविजुअल स्टेट्स का ले लीजिए, इंडिया में मेजर स्टेट्स ले लीजिए, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, सब इन सब स्टेट्स का जो रिकमेंडेड लिमिट है उससे डेट लेवल, फॉर एग्जाम्पल FRBM एक्ट और 15th फाइनेंस कमीशन का ये था कि जो फिजिकल डेफिसिट है वो 3% से कम रखना चाहिए 2023 के अंदर, और इनका जो मैक्सिमम डेट है स्टेट का 20 होना चाहिए और सेंटर का 40 होना चाहिए, पूरा मिला के जो ओवरऑल डेट होती है कंट्री का, नेशन का, वो 60% ऑफ द जीडीपी से कम होना चाहिए। ठीक एब्सोल्युटली है, ये इनका कहना था। लेकिन अभी आप देखोगे जो इनका डेट लेवल है ना सेंटर का और स्टेट का मिला के 85% अबव है, मतलब जो रिकमेंडेड लिमिट से 25% अबव है। इसका मतलब क्या है, एक क्रिटिकल जोन पे हम लोग। और एब्सोल्युटली। और सेकंड मतलब थिंग, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा थोड़ा हाँ सा, मैं जी डेफिसिट इससे पहले कि दर्शकों को प्रॉब्लम हो, क्योंकि हम बहुत सारी डेफिसिट्स की बात करेंगे, देखिए डेफिसिट्स का मतलब होता है कि कमी पड़ रही है, जैसे अगर ट्रेड डेफिसिट की बात करें, ट्रेड डेफिसिट का मतलब होगा कि आप जो है इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं एक्सपोर्ट से। ऐसे ही हमारे पास चार मेजर टाइप के डेफिसिट होते हैं, बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। जल्दी से मैं आपको बता दूंगा और आप लोग एक डायग्राम भी देख सकते हैं। बजट डेफिसिट का मतलब होता है कि जब टोटल एक्सपेंडिचर में से आप टोटल रिसीट्स, रिसीट्स मतलब जो आपने पैसा कमाया उसको माइनस कर देंगे तो आपके पास बजट डेफिसिट आ जाएगा। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए दो कॉलम होते हैं किसी भी बजट के, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू डेफिसिट की हम बात करें तो सिर्फ रेवेन्यू वाला कॉलम लेते हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट। ऐसे फिस्कल डेफिसिट की जब हम बात करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिस्कल डेफिसिट की ही बार बार बात की जाती है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है
टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग, उसमें से हम बोरोइंग्स को हटा देते हैं, कि आपने जितना एक्चुअल पैसा कमाया सिर्फ वही काउंट होता है, बोरोइंग में जो पैसा आया उसको काउंट नहीं करते। इसीलिए फिस्कल डेफिसिट जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेट्रिक है कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ नापने के लिए। अब प्राइमरी डेफिसिट की बात करें तो प्राइमरी डेफिसिट होता है कि जब आप फिस्कल डेफिसिट में से, आपने फिस्कल डेफिसिट निकाला, फिस्कल डेफिसिट में से जब आपने इंटरेस्ट पेमेंट, जो आपने लोन लिए हैं उस पर जो इंटरेस्ट दिया उसको माइनस कर दिया, आपको फिस्कल डेफिसिट निकल दिया। या माधव प्लीज कंटिन्यू, दिस वर द डिफरेंट काइंड ऑफ डेफिसिट, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू। नहीं, अभी देखिए आपने जो डेफिसिट्स के बारे में बोला जी है ये मतलब ये सब ठीक है, लेकिन एक फिस्कल डेफिसिट है जो मेन नहीं, पैरामीटर जी 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 है, और बजट का जो डेट होती है, डेट मतलब जो हम पैसे लिए हैं और अपना जीडीपी के टोटल से जी रेशियो, डेट टू जीडीपी रेशियो, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर के लिए। जी किसी कंट्री का इकोनॉमिक स्टेटस जानना है तो इसमें हम लोग देखिए, अभी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा डेट लेवल है 85% है, जी तो अबव जो एफआरबीएम एक्ट और फाइनेंस कमीशन जो 60% बोलता है उससे ज्यादा है, ये एक पहला प्रॉब्लम है। और सेकंड प्रॉब्लम है जीएसटी जो कॉम्पनसेशन है, जो 5 साल के लिए देने के लिए जीएसटी काउंसिल ने जो एक वादा किया माना था था वो जी, ठीक अभी खत्म हो रहा है। तो खत्म होने के बाद क्या होगा कि अभी भी आप मेजर मेजर क्या है, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स उनकी जो रेवेन्यू है जीएसटी रेवेन्यू वो बिफोर द जीएसटी जो रेवेन्यू था उससे कम हुआ है। आप पैंडमिक का इफेक्ट समझ लीजिए, ना तो कुछ भी है, लेकिन उनका जीएसटी का कॉम्पनसेशन जब खत्म हो जाएगा तो उनका स्टेट के जो फाइनेंशियल का जो प्रेशर है ना, फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ जाएगा, ये सेकेंड प्रॉब्लम है। और थर्ड मेजर प्रॉब्लम है ये बहुत ही पॉपुलिस्ट और कॉपरेटिव पेटरलिज्म का ऑपोजिट बोल सकते हो कि रोल बैक ऑफ पेंशन रिफॉर्म्स, जो हमारी ओल्ड पेंशन सिस्टम है वो बहुत सारे स्टेट्स जो ओल्ड पेंशन सिस्टम है उससे बहुत सारे एक्सपर्ट्स, आरबीआई का रिपोर्ट जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट होती है और आईएमएफ का रिपोर्ट भी बोला है कि जो इंडिया का ओल्ड पेंशन सिस्टम है ना वो इंडिया को ना ज्यादा फिजिकल बर्डन बढ़ा देगा। फिर भी बहुत सारे स्टेट्स जो है वो रोल बैक करना चाहते हैं। अभी यही तीन मेजर प्रॉब्लम्स है इंडिया का जो फाइनेंशियल स्ट्रेस के लिए आगे बढ़ाने के। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, माधव ने एक बड़ी वैलिड बात पॉइंट आउट की है कि स्टेट्स का जो रेवेन्यू कलेक्शन था प्री जीएसटी रिजीम में वो ज़्यादा था, और जीएसटी आने के बाद कम हो गया है, और जो कंपनसेशन देने का वादा था बाय जीएसटी काउंसिल वो भी उनको प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है, एंड दैट वाई देर इज अ बिग बिग टसल ऑलवेज इन द जीएसटी काउंसिल मीटिंग। अब अगर मैं ट्रेंड्स की बात करूँ, एक ग्राफ आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, यूनियन बजट 2023। अब ये जो ग्राफ है इसमें आप एक्चुअल्स और बीई देखेंगे। एक्चुअल्स का मतलब कैसे एस्टिमेट्स वो होते हैं, पहले तो आपके बजटरी एस्टिमेट्स आते हैं उसी साल, उसके बाद रिवाइज एस्टिमेट्स आते हैं, और फिर उससे 2 साल बाद एक्चुअल हमें एस्टिमेट आते हैं। तो अगर आप फिजिकल डेफिसिट देखें तो आपको कम होते हुए दिखेगा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट देखें वो भी कम होते हुए दिखेगा, प्राइमरी डेफिसिट देखें तो एक समय तक कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्या कंटिन्यूअसली रिड्यूस हुआ है, क्या कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ है फॉर दिस टाइम पीरियड। तो इस डायग्राम को आप हल्का सा इंपॉर्टेंटली देख लें माधव। और अब मैं दूसरी बात करूं तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो की अंडर जीएसटी रिजीम, तो अगर आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर 2015-16 जब और 16-17 में अगर देखेंगे आप तो 6.51 6.68 था जब जीएसटी नहीं था, जब जीएसटी आने के बाद आप देखेंगे कि ये रिड्यूस होते जा रहा है जो माधव ने पॉइंट आउट किया। नाउ माधव व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स, तो आपने बता दी मेजरली तीन प्रॉब्लम्स आपने बताई, इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम जो स्टेट फेस करते हैं? हाँ हाँ जी हाँ जी, एक प्रॉब्लम है कि जो हमारी पावर डिस्कॉम्स, हाँ जैसे हमारी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है जी ये क्या हो रहा है कि रिफॉर्म्स तो लाए हैं जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। अभी इनका एस्टिमेशन है कि अराउंड 3.5 लाख और 4 लाख तक जो पावर कंपनीज है वो डेट में है। तो ये
ये इनडायरेक्टली क्या होगा, स्टेट के ऊपर ही बर्डन है। ये एक फोर्थ मेजर प्रॉब्लम है। एब्सोल्युटली एंड यू नो ओइंग टू द प्रॉब्लम्स देर आर ऑलवेज सॉल्यूशंस. मतलब व्हाट इज द वे अहेड, हाउ कैन स्टेट्स कम आउट ऑफ डेट ट्रैप. ऑफ कोर्स द पॉपुलिस्ट पॉलिसीज और द पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स हैज टू टेक अ बैक सीट नाउ, बिकॉज वेन एवर देर इज पॉपुलिस्ट पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स इकोनॉमिक सफर्स एंड वी हैव सीन इन इन्यूमरेबल केसेस इन द डेमोक्रेटिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया. What is the way ahead according to you? How should the states conduct themselves? देखिए अभी इसका एक ही है कि जो भी प्रॉब्लम्स है अभी जो स्टेट का, तो ये लैक ऑफ रेगुलेशंस और लैक ऑफ कोएलिशन बिटवीन द पॉलिटिक्स और इकोनॉमी एंड लैक ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये दो ही चीजों के वजह से जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे? देखिए फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन जो अप्रोच है वो बहुत सालों से हमारी हर फाइनेंस कमीशन उसके बारे में बात करती है कि देखिए जो भी स्टेट्स है ना अपना रिवेन्यू जनरेट करने के लिए ही कोशिश करना पड़ेगा कि सेंटर का ग्रांट्स पे, नहीं तो हम किसी डेट लेके मतलब इसे नहीं चला सकते हैं, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं होता है। और देखिए हमारी प्रॉब्लम है ना सॉल्यूशन। देखिए अभी जो भी हमारी पॉलिसीज होते हैं ना वो एसेट क्रिएट नहीं करते हैं। देखिए अभी पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जैसे पंजाब में बोलते हैं कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन करते हो फ्री में, ठीक है, तो उससे कोई एसेट क्रिएट नहीं होता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचोगे ना वो नेगेटिव इफेक्ट है इकोनॉमिक के लिए, कि एग्रीकल्चर का इफेक्ट होती है इनडायरेक्टली और उससे फार्मर्स का इनकम कम होगा, तो ये ओवरऑल प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करता है। तो इसके लिए ना, तो इसका वे फॉरवर्ड में जो हमें टेक्निकली जाना है तो एक है कि ये अपना जो टैक्सेशन पॉलिसी है स्टेट का, देखिए अभी जो प्रॉपर्टी टैक्स होती है, स्टैम्प ड्यूटीज होती है, इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा कि अभी इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि आप जियो सैटेलाइट यूज करके आप मैपिंग कर सकते हो प्रॉपर्टी टैक्स के लिए, लेकिन ये क्या होता है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के वजह से ना ये प्रॉपर्टी टैक्स मतलब कभी रिफॉर्म्स करना ही नहीं चाहते। अब देखिए क्योंकि ये तो पता है किसी स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहाँ आती है, लैंड से तो आई, लैंड इज द मेन रेवेन्यू, और यही दिक्कत है कि ये लैंड ही पॉलिटिक्स हो जाती है। तो ये हमारी ये एक है, और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को आप रिफॉर्म नहीं करोगे तो ये बहुत बड़ा बैंकरप्सी और डेट ट्रैप में स्टेट्स चले जाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी उसका डेट ट्रैप लिमिट हो चुकी है। आप तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम कैसे रिफॉर्म्स लाए कि हमें सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि चार्जेस को, चार्जेस ज्यादा भी नहीं बढ़ा सकते हैं लेकिन बढ़ाएंगे उसको स्लैब स्पेस में बढ़ाना पड़ेगा, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। Absolutely, and I think you are absolutely right that the fixing DISCOMs and land tax is major important thing. Financial decentralization is the key, and in the problem lies the solution. And that was all in this session of Every Discuss with Maddie. I hope you liked it. Please subscribe our channel, and if you have any queries, doubts, and you if you want any topic to be discussed. Please let us know in the comment box and we shall see you soon. Take care. Bye-bye. Take care and keep smiling. Keep healthy. And thank you, Madhav, for joining us. And Thank so you, you Amit. always Thank you. put up great hard work in all this research. We are very lucky to have you on board. Thank you. Thank you.